आदाब, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप। मैं हूं साजिद सईद। इस वक्त की बड़ी खबर इंदिरा नगर श्रीनगर से आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक शख्स की लाश जो है वो बरामद कर ली गई है इंदिरा नगर पार्किंग एरिया से। और उस शख्स का नाम रणबीर सिंह बताया जा रहा है, जो कि एम्प्लॉय थे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और जम्मू डिवीजन से बिलोंग करते थे। ये इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास सोर्सेस के जरिए से आई है। और इस खबर में ये बताया जा रहा है कि एक शख्स जिसका नाम रणबीर सिंह बताया जा रहा है, वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करते थे और आज पार्किंग लॉट में उनकी डेड बॉडी जो है वो मिली है। उसके बाद पुलिस ने उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लिया है और तमाम मेडिको लीगल फॉर्मेलिटीज जो है वो इस मामले में जारी है। इस तरीके के वाकयात जो है कश्मीर में पहले भी हुए हैं, काफी सारे रीजंस रहे हैं। चाहे आप कार्डियक अरेस्ट देखें, यानी हार्ट अटैक्स की वजह से भी लोगों की जो है अचानक से मौत हो गई और उसके बाद जो है उनकी लाश को उनके मेडिको लीगल फॉर्मेलिटीज के बाद उनके घर वालों को, उनके परिवार वालों को सौंपा गया। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर कश्मीर से आ रही है। और इस खबर में ये बताया जा रहा है कि रणबीर सिंह नामी एक सरकारी कर्मचारी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करते थे, जम्मू के रहने वाले थे, उनकी लाश इंदिरा नगर पार्किंग लॉट से बरामद हुई है और उस लाश को पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है। अब मेडिको लीगल फॉर्मेलिटीज के बाद ही मामला सामने आएगा कि आखिर क्या कारण है, किस वजह से इनकी मौत हो गई है, क्या ये नेचुरल डेथ है या कोई और कारण है इसका, ये भी जरूर पता चलेगा इन्वेस्टिगेशन के बाद। जम्मू कश्मीर में कुछ टाइम से इस तरीके के वाकयात जो है हुए हैं। ऐसे काफी सारे वाकयात पहले हमने देखे हैं कि जम्मू कश्मीर में हुए हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में हमने यही देखा कि हार्ट अटैक्स की वजह से ये डेथ्स हुई, जिसकी वजह से राह चलते हुए या होटल रूम्स में जो है लोग अनकॉन्शियस हुए अचानक से, और उसके बाद जब उनके उनकी जांच की गई तो पता चला कि वो ऑलरेडी मर चुके हैं। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त कश्मीर से आ रही है और अभी पुलिस इस मामले में जुड़ी है और इस मामले की जो है पूरी जांच कर रही है कि क्या रीजंस थे, क्या ये नेचुरल डेथ है या कोई और कारण है, ये भी जरूर कुछ टाइम में सामने आएगा इन्वेस्टिगेशन के बाद। फिलहाल इस मामले में मेडिकल लीगल फॉर्मेलिटीज की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन जारी है और मौत का कारण जो है वो जल्द ही सामने आ जाएगा और आप तक जरूर पहुंचाएगी। धन्यवाद।